हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज के ट्रांजैक्शन को कैसे कर सकते हैं। अगर परचेज इनवॉइस के सामने कोई डिस्काउंट, वटाव या रेट डिफरेंस दिया हो तो उसकी एंट्री डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज में कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ नॉन इन्वेंट्री इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, परचेजेस, इनवर्ट डेबिट नोट, जीएसटी पे क्लिक करना है। डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज की डेबुक का एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सभी डिटेल्स को एंटर कर देना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर, डेट। यहाँ पे आपको डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज की डेट डाल देनी है। नेक्स्ट अकाउंट, यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे तो सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस अकाउंट में डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज की एंट्री करनी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। न्यू अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे दो बार न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट सिलेक्ट करते ही अकाउंट से रिलेटेड जीएसटी की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपने आप मास्टर्स से आ जाएंगी। आप चाहें तो डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे रीजन फॉर रिटर्न, यहाँ आपको लिस्ट में से रिटर्न का रीजन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका रीजन यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे आइटम एंट्री के सेक्शन में आ जाएंगे। आइटम, जो भी इनकम हो रही है उसका हेड आपको यहाँ आइटम में सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करके लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे उसके मास्टर्स में HSN कोड और टैक्स ग्रुप वही सिलेक्ट करना है जो आपने परचेज इनवॉइस के आइटम मास्टर में लिया है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, नेट अमाउंट भी कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करते ही आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इस अकाउंट के सभी परचेज इनवॉइसेस की लिस्ट आ जाएगी। आपको इस डेबिट नोट को कौन से परचेज इनवॉइस के सामने एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उस पे एंटर कर दें। एंटर करते ही अभी जो हमने डेबिट नोट बनाया है वो यहाँ राइट साइड पे आ जाएगा, लिस्ट ऑफ एडजस्टेड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में। आप यहाँ पर अमाउंट को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर कर देना है, क्विट कर देना है। इस परचेज इनवॉइस के सामने डेबिट नोट की एंट्री एडजस्ट हो गई है, क्लोज कर देंगे। न्यू बटन एक्टिवेट हो गया है, क्लिक करेंगे तो न्यू एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और भी एंट्रीज को इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप रैडिक्स में डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज के ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।